नमो नमः। मंत्रमय जीवन हो, लेखांक चौथा, आदर्श दिनक्रम, लेखक श्रीपाद अभ्यंकर, मुंबई। बिस्तर से उठने पर हम दिनक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं सोच रहा था कि आदर्श दिनक्रम के बारे में अपने ग्रंथों में जरूर कुछ मार्गदर्शन होगा। खोजखाज के बाद संदर्भ मिल ही गया। चार वेदों के अलावा कुछ उपवेद भी हैं। एक उपवेद है आयुर्वेद। मूलतः सोचने समझने लायक बात यह है कि आयुर्वेद सेहतमंद जीने का विचार सिखाता है। पाश्चात्य देशों में जो वैद्यक प्रणाली विकसित हुई उसका नाम ही पैथोलॉजी है। पैथोस यानी पीड़ा। पीड़ा निवारण तो जरूरी हो जाती है, लेकिन सेहतमंद जीने का विचार सीख लें तो हो सकता है कि पीड़ा निवारण की नौबत ही न आए। आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता और चरक संहिता जैसे ऋषि मुनियों के रचे बहुत पुराने ग्रंथ हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज भी उपलब्ध हैं और पढ़े पढ़ाए भी जाते हैं। और भी ग्रंथ हैं, जैसे छठी सदी का वाग्भट्ट जी का अष्टांग संग्रह और सातवीं सदी का द्वितीय वाग्भट्ट जी का अष्टांग हृदयम ग्रंथ। इस अष्टांग हृदयम में अष्टांग हृदयम ग्रंथ में सूत्र स्थान विभाग में 48 श्लोकों का पूरा दूसरा अध्याय आदर्श दिनचर्या के बारे में ही है। क्योंकि ये श्लोक आयुर्वेद के हैं, इन्हें वेद मंत्र कह सकते हैं। आदर्श दिनचर्या कैसी हो, इसका ज्ञान देने और आचरण कराने जैसी प्रेरक शक्ति इनमें जरूर है। ऐसा भी नहीं है कि इन श्लोकों का अध्ययन सिर्फ वैद्य करें जो आयुर्वेद की प्रणाली से चिकित्सा और इलाज करते हैं। यहाँ बताई आदर्श दिनचर्या में कालानुरूप परिस्थिति अनुरूप फर्क करना पड़ेगा। जैसे कि कई लोगों को रातपाली में काम करना पड़ता है, उनके लिए संभव ही नहीं है कि ब्राह्म मुहूर्त पर जग जाएं। फिर भी दिन भर के कार्यकलाप में क्या साधना चाहिए ये समझ लेना हर किसी को लाभदायक होगा। सारे 48 श्लोकों का अभ्यास न भी करें तो भी किन्हीं किन्हीं श्लोकों का अभ्यास तो करेंगे जरूर। तो पहला श्लोक है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः शरीर चिंताम निर्वर्त्य कृतशौच विधिस्ततः। आयुषः रक्षार्थम स्वस्थः कृतशौच विधिः शरीर चिंताम निर्वर्त्य ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे। यदि शरीर स्वस्थ है तो आयुष्य के रक्षण के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, शौच विधि करके निश्चिंत मना हो जाए। सूर्योदय के पहले आधा प्रहर यानी सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले वाले समय को ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। स्वस्थ शब्द इसीलिए जोर दिया लगता है कि शरीर स्वस्थ न हो तो ज़्यादा आराम जरूरी होगा, तो सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले जग जाने की सख्ती न बरतें। श्लोक रस्ते रस्ते सद्भावना भी संभालिए, है ना। दूसरा और तीसरा श्लोक दंत धावन के बारे में है। अर्कन्यग्रोध खदिर करंज ककुभादिजम प्रातर्भुक्त्वा च मृद्वग्रम कषाय कटुतिक्तकम कनीन्यग्र समस्थौल्यम प्रगुणम द्वादशांगुलम भक्षये दंत पवनम दंतमांसान्यबाधयन। तीसरे श्लोक में शब्द है भक्षयेत। भक्षयेत इस शब्द से ध्यान में आता है गीता का श्लोक, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इस श्लोक में जिक्र किया है कि अन्न खाने के ढंग चार प्रकार के होते हैं, चतुर्विधम अन्नम, भक्ष, लेह, भोज्य और चूस्य। भक्ष यानि चबाने का, लेह यानि चाटने का, भोज्य यानि निगलने का और चूस्य यानि चूसने का। यहाँ दंत धावन को भक्षयेत कहा है। जाहिर है कि दंत धावन के लिए विशिष्ट पेड़ पौधों की टहलियाँ चबानी चाहिए। इससे दांत तो साफ होते ही हैं, मसूड़ों की रगड़ होने से उनकी ताकत भी बढ़ती है। खेदजनक है कि जब से टूथपेस्ट की स्टाइल चल पड़ी है
तब से मसूड़ों की रगड़ बंद हो गई है। दूसरे श्लोक में कौन कौन से पेड़ पौधों की टहलियाँ दंत धावन के लिए गुणकारी हैं, इनकी सूची है। कुछ तो तसल्ली की बात अब चल पड़ी है कि टूथपेस्ट ही क्यों न हो, आयुर्वेद में बताए औषधियों से युक्त हो। ये विचार चल पड़ने से कोलगेट भी आयुर्वेदिक बन गई है। ऐसा नहीं था कि पतंजलि ब्रांड के पहले कोई भी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट नहीं बनती थी। बनती थी, विको वज्रंतिती, बबूल ऐसे ब्रांड अभी भी चलते हैं। इश्तेहार का ज़माना है, पतंजलि ब्रांड बन गया तो कोलगेट को भी आयुर्वेद को अपनाना पड़ा। बच्चों को अच्छी लगे इसलिए मीठी टूथपेस्ट भी बनाते हैं, जबकि गुणकारी होने के लिए स्वाद कषाय कटु तिक्त हो, ये भी दूसरे श्लोक में बताया है। इससे मुंह की दुर्गंधी भी नहीं रहेगी, ऐसा सारा ज्ञान आयुर्वेद के ग्रंथों में है। तीसरे श्लोक में और भी शब्द है, दंत मांसान न्यबाधयन, मतलब दंत धावन करते समय ध्यान रहे कि दांतों को मसूड़ों को बाधा न होवे। कितना सटीक बताया है, इतना सटीक ज्ञान देने वाले दोनों श्लोक मंत्र ही हैं। बेसिन के आने पर चिपका दीजिएगा, हर रोज पढ़ते पढ़ते मुखदगत हो जाएंगे। उनमें बताए ज्ञान पर अमल भी कीजिएगा, फायदे में रहेंगे। आयुर्वेद में पथ्य का बड़ा महत्व है, इसीलिए किन्होंने दंत धावन का भक्षण नहीं करना चाहिए ये चौथे श्लोक में बताया है। ना अद्यादजीर्ण वमत श्वास कास ज्वरार्दिति तृष्णास्य पाकरुन नेत्र शिरः करणामयी चतत। न अद्याद, भक्षण न करें जिसे अजीर्ण व मथु यानी अपचन के कारण वोमिटिंग होती हो, श्वास यानि नाक में तकलीफ हो, कास यानि कफ के कारण श्वासोच्छ्वास की तकलीफ या बीमारी हो, ज्वरार्दिति शरीर में ताप चढ़ा हो, तृष्णास्य पाक गले में सूखापन या खरोश हो, जिसे हृदय की आमयी यानि तकलीफ हो, नेत्र आँखों में तकलीफ हो, शिरा सरदर्द हो, कर्ण कानों में दर्द हो, च तो तत् दंत धावन का न अद्यात, भक्षण न करें। गौरतलब है कि क्योंकि दंत धावन के भक्षण में जबड़े में मर्दन होता है, इसलिए चेहरे के सारे अंगोपांगों का आँख कान नाक सिर और गले का और हृदय का भी विचार किया है कि इन इंद्रियों में कुछ तकलीफ या दर्द हो तो दंत धावन का भक्षण न करें। यहाँ पे दंत मंजन की पाउडर का या टूथपेस्ट का उपयोग मान सकते हैं। बिल्कुल ही दंत धावन न करें, इससे बेहतर ज़रूर है कि दंत मंजन करें, पाउडर या टूथपेस्ट का उपयोग करें। दंत धावन के साथ साथ चेहरा तो हम धोते ही हैं। अगले 5, 5.1, 6 और 7 इन चार श्लोकों में आँखों में लगाने के अंजन के बारे में यानी आँखों की देखभाल के बारे में विचारणीय बातें बताई हैं। सवीरमंजनम नित्यम हितम अक्षणोस्ततो भजे चक्षुस्तेजोमयम तस्य विशेषाश्लेष्मतो भयम् भुक्तवांशशिरस्नातश्रान्तश्चर्दन नावनैः रात्रौ जागरितश्चापि नाञ्जाज्वरित एव च योजये सप्तरात्रेस्मात् श्रावणार्थं रसाञ्जनं ततो नावनगण्डूष धूमताम्बूलभाग् भवेत् ताम्बूलं क्षतपित्तास्र रुक्षोत्कुपितचक्षुषां विषमूर्छा मदार्थानाम् अपथ्यं शोषिणामपि। सवीरमञ्जनं यानि बेर के फल से बनाए अंजन का प्रयोग, नित्यं वैद्य जी के बताए रीति से, हितम अक्षणोः ततो, हितम अक्षणोः ततः आँखों के लिए लाभदायी भजेत होगा। चक्षुस तेजोमयम तस्य, उससे आँखों में चमक रहेगी। विशेषा श्लेष्मतो अभयम, विशेषा श्लेष्मतः अभयम, खास करके आँखों में गंदगी नहीं आएगी। लेकिन 5.1 में भोजन के बाद या स्नान के बाद या रात में जागरण हुआ हो या तो बुखार हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए इस अंजन का प्रयोग वर्जित बताया है। छठे श्लोक में
किसी विशिष्ट रसांजन का प्रयोग भी बताया है जो हफ्ते में एक बार ही करना है। इस श्लोक के दूसरे भाग में रसांजन के बाद नावन गंडूष धूम तांबूल भाग विधि बताई है, जिसमें नावन यानि छींक कर नाक साफ करना, गंडूष यानि अंजलि भर पानी से मुंह धोना, धूम यानि भाप लेना, तांबूल भाग यानि पान और सुपारी खाने की प्रशस्ति की है। लेकिन सातवें श्लोक में किनके लिए रसांजन अप्रशस्त है और तांबूल हानिकारक है ये बताया है। अगले 8 से 18 इन 11 श्लोकों में व्यायाम और स्नान इनके बारे में आदेश हैं। 18 से आगे अगले 30 श्लोकों में धर्माचरण की बातें हैं, उनका अभ्यास क्रमशः करना उचित होगा। जिन्हें पूरे 48 श्लोकों में रुचि है उनके लिए सारे श्लोक परिशिष्ट में दे दूंगा। आशा है कि आदर्श दिनक्रम का, यहाँ के 7 श्लोकों का विवेचन, मंत्रमय जीवन की विचारधारा समझने के लिए अच्छा ही हुआ है। शुभमस्तु।